नमस्कार दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम 2021 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सेट एग्ज़ाम एक राज्य स्तर का एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। यानी कि अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, फिर भी बिना नेट के आप किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी, जिस स्टेट का आप सेट एग्ज़ाम देंगे, उस स्टेट कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बिना नेट एग्ज़ाम के भी। तो यहाँ पे जो है एक और डाउट का जो है मैं प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देना चाहता हूँ, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, वो ये है। अगर जो है आप सेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो क्या आपको JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है PhD रिसर्च करने के लिए? तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो सेट एग्ज़ाम होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो राज्य स्तर पर होता है और वो केवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF नहीं दी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अगर आपका सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, मान के चलिए महाराष्ट्र स्टेट का जो है सेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेज है, आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो है आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट से जो है ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इस वीडियो में एक संपूर्ण जानकारी, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये सेट एग्ज़ाम होगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस क्या होगा, साथ ही साथ आप आवेदन कैसे करें, सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। सो अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप टू बी कंडक्टेड बाय सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसको पहले पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये जो है आप कह सकते हैं आप नोडल एजेंसी है। एंड यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपका होगा सेट, महाराष्ट्र का जो सेट एग्ज़ाम है वो 26 सितंबर 2021 को जो है एग्ज़ाम होगा। एंड यहाँ पर जो है आपको जो सेंटर्स आपके रहने वाले हैं परीक्षा केंद्र, वो यहाँ पर जो है मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलनपुर, अहमदाबाद, नासिक एंड ये सारे जो है परीक्षा केंद्र रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। एंड कब से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, 17 मई 2021 से लेकर 10 जून 2021 तक जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ₹800 है ओपन, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं एंड OBC एंड जो अन्य कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर ₹650 जो है यहाँ पर आपको फ़ीस देनी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है? नाउ में जो है सब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ, अंतिम तिथि जो है वो 10 जून 2021 शाम के 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट देख लेते हैं, वन बाय वन जो है सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 71 जो है टोटल सब्जेक्ट है जिनके लिए महाराष्ट्र जो सेट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये आप जो है यहाँ पर सारे जो है सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री। तो मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ, आप जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम कर लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर जो है अदर देन SC ST OBC और जो यहाँ पे है ट्रांसजेंडर, उनके लिए जो है यहाँ पर उनको छोड़कर यहाँ पर 55% अंक होने चाहिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 55% एंड OBC और जो दिव्यांग जो आपके SC ST है उनके लिए 50% अंकों के साथ आपकी मास्टर डिग्री जो है संबंधित सब्जेक्ट में जो है आपकी होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें यहाँ पे आपको आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन करना है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो सेट एग्ज़ाम है वो दिया हुआ है 26 सितंबर को होगा। एंड यहाँ पे जो है अब हम जो है आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और जो है दिखा देते हैं,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो है यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, दो पेपर होंगे। पेपर वन में 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, यानी कि पेपर वन 100 अंकों का, पेपर टू आपका 200 अंकों का। 1 घंटे का पेपर वन होगा 10 बजे से लेकर 11 बजे, एंड 2 घंटे का 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक जो है आपका पेपर टू होगा। पेपर वन जो है वो जर्नल इन नेचर होगा, ठीक है, जो कि टीचिंग रिसर्च एटीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, एंड रीजनिंग एबिलिटी, कंप्रीहेंशन एंड डाइवर्स थिंकिंग, जर्नल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। जबकि पेपर टू होगा वो आपका, यहाँ पे हम बात करें सब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करेंगे वो जो है आपका पेपर टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पेपर का जो है आपका पैटर्न रहेगा। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस, सिलेबस की अगर हम बात करें तो वन बाय वन जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर जो है आप, जैसे आपको हिंदी का सिलेबस जानना है तो आप डाउनलोड करेंगे और आपके सामने जो है ये पीडीएफ जो है सिलेबस की जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो है आप यहाँ पर जानकारी जो है ले सकते हैं कि कौन कौन सा जो है यहाँ पर आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेबस में आने वाला है। तो पेपर वन के लिए भी है, पेपर टू के लिए अलग अलग है। ये जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च पेपर वन का सभी के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप डाउनलोड करके जो है आप जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर वन आपका रहेगा, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है, उसका तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एंड कोई भी अगर डाउट्स है महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर ले। तो चलिए, थैंक यू।